नमस्कार सच्रीक सलाम हेलो दोस्तों माय नेम इज आलोक एंड आई एम अ रेगुलर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट्स और आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल स्टॉक इनकम डॉट आई पे दोस्तों आज मैं आपके साथ एक नया सफर शुरू करना चाहता हूँ एक न्यू जर्नी दैट आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन एंड दिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस देखिए जब हम मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रूप में वेदर एज अ ट्रेडर और और एज एन इन्वेस्टर हम कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं और करना भी चाहिए राइट right? हमारा ओपिनियन वेदर टू बाय सेल गो लॉन्ग गो शॉर्ट वट एवर टू बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एनालिसिस सम काइंड ऑफ इनपुट राइट नॉट ऑन गट फील नॉट ऑन समी सेट सम माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस नो राइट वी हैव टू हैव आर ओन एनालिसिस राइट सो सब ट्रेडर्स सब इन्वेस्टर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस आई एम श्योर आपने सुना भी होगा राइट मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो शायद आपको बहुत वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं मैं क्यों सीरीज बनाना चाहता हूं वेरी सिंपल बिकॉज मैंने देखा है फर्स्टली दिस इज समथिंग वेरी बैडली रिक्वायर्ड जरूरत तो बहुत लोगों को है सबको है अगर आप मार्केट में है तो आपको जरूरत है बट अगर आप डिफरेंट चैनल्स पर जाएंगे डिफरेंट मीडियाज पे जाएंगे तो आपको बहुत जगह कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी मिलती है समझ नहीं आता कि वो क्या बता रहे हैं बुकिश एकेडमिक लैंग्वेज यूज की होती है जिसको समझना शायद एक आम इंसान के लिए एक रिटेल ट्रेडर के लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा दूसरा उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होते हैं किसी भी आप चैनल पे या किसी भी बुक पे चले जाए ज्यादातर पे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं जो कि ओके okay, उनका यूटिलिटी है यूजफुल useful है यूजफुलनेस है बट क्या वो एक रिटेल ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि ये भी सीखे वो भी सीखे वो भी सीखे वो भी सीखे और उसके बारे में पता करे राइट right. शायद नहीं राइट right. जैसे जैसे आप एडवांस स्टेज पे पहुंचते जाते हैं देर इज नो एंड टू लर्निंग आप और और सीख सकते हैं बट एज अ रेगुलर रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर क्या आपको ज़रूरी है कि आप पचास तरह के इंडिकेटर चार्ट पैटर्नस कैंडल स्टिक राइट डॉन्चियन चैनल्स बलंजर बैंड एमएससीडी आर एस आई टू कॉम्प्लेक्स कितनी सारी चीजें सीखेंगे क्या जरूरी है सबको सो वट आर टाइम टू डू इन दिस जर्नी इज सिंप्लीफाई थिंग्स मेक इट यूजफुल सो आई वॉन्ट टू डू टू थ्री थिंग्स फर्स्टली है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बीच में से इधर उठा के इधर उठा कर इधर उठा के नहीं करेंगे हम एक शुरुआत एक बेसिक लेवल से करेंगे और एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएंगे ताकि हम पहले वाला जो सीखा है वो आगे काम आए जो पहले सीखना चाहिए उसको पहले सीखेंगे जो बाद में सीखना चाहिए उसको बाद में सीखेंगे सेकेंडली आई वॉन्ट टू कीप थिंग सिंपल राइट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं सिंपल एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज वो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मेरी कोशिश यही है, है। देखिए कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ और तीसरी बात वहाँ तक बात रखना चाहता हूँ जहाँ तक जरूरी है ओनली talk as much as is really required and really useful right there are things which are good to know but probably not so useful practical trading ke liye right so that is the uh, two three things that i want to keep in mind when i do this series and naturally i have already used the word series ye ek single video nahi hone wala hai ho bhi nahi sakta hai right हमको चार घंटे का पांच घंटे का movie नहीं बनाना है आप भी नहीं देख पाएंगे मैं बना नहीं पाऊंगा right? So we'll break it into parts. It's like chapters of a book, right? तो हम एक मॉड्यूल वन करेंगे मॉड्यूल टू करेंगे मॉड्यूल थ्री करेंगे मुझे अभी नहीं पता कितने मॉड्यूल होने वाले हैं बट वी विल फाइंड इट आउट राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस राइट विच इज अंडरस्टैंडिंग प्राइस चार्ट प्राइस चार्ट क्या होता है किस तरह का होता है कितनी तरह का होता है उसका यूज क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे राइट right? सो so, बिफोर गेट इनटू स्टार्टिंग टू बिगिनिंग टू स्टार्ट और लर्न टेक्निकल एनालिसिस कितनी तरह के होते हैं बहुत तरह के होते हैं एक्चुअली बट ब्रॉडली आपने आप शायद जानते ही होंगे दो तरह के एनालिसिस की हम बात करते हैं एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस एक होता है टेक्निकल एनालिसिस क्या फर्क है क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं कोशिश क्या फंडामेंटल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस में कोशिश ये होती है कि एक किसी भी स्टॉक का किसी भी चीज का एक फेयर प्राइस सही दाम क्या है उसको ढूंढा जाए राइट right? वो कैसे ढूंढते हैं कोई भी कंपनी को अगर किसी स्टॉक का सही प्राइस ढूंढना है तो कंपनी को स्टडी करते हैं उसकी बैलेंस शीट उसके पीएनएल उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी इंडस्ट्री आउटलुक उन सब चीजों को स्टडी करते हुए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सबको स्टडी करते हुए प्राइस लगाते हैं कि ये इसका प्राइस मे बी इसके शेयर करीब दो सौ रुपए का होना चाहिए जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कंपनी हो फिर हम देखते हैं कि क्या इससे ऊपर चल रहा है आज का भाव के नीचे चल रहा है अगर इससे नीचे चल रहा है उसका भाव मान लीजिए भाव उसका गुड आइडिया टू बाय क्योंकि अल्टीमेटली अपना फेयर प्राइस वो पकड़ेगा राइट right? ऐसे ही अगर अपने फेयर प्राइस ऊपर चल रहा है तो उसको हम नहीं खरीदेंगे या मे बी शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं राइट सो दिस इज एनालिसिस व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी शेयर का या स्टॉक का एक उसका प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखते हैं प्रमेरली राइट right? उसका प्राइस क्या है वॉल्यूम क्या है ट्रेंड क्या है उसकी दिशा किधर को है किधर को दौड़ रहा है अभी राइट right? क्या रुक गया है और हम स्टडी करते हैं कुछ इंडिकेटर्स राइट right? जो कि कैलकुलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं सिस्टम पे बेस्ड होते हैं वो हमको कुछ इशारा करते हैं कि खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए और हम स्टडी करते हैं कुछ चार्ट पैटर्नस राइट राइट सम लाइक देर आर कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर एग्जाम्पल और देर आर चार्ट पैटर्न लाइक अ फ्लैग और अ पेनेंट और अ राउंडिश बॉटम फॉर्मेशन राइट या हम सब स्टडी uh, करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसिस एटसेट्रा इनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए होल्ड करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए राइट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस राइट और कुछ लोग एक्चुअली मिक्स भी करते हैं दोनों को राइट right? So this is broad about, broadly about it. As I said, there are more types of analysis. There's something called quant analysis. Uski baat hum nahi karenge. Humne pehle kaha tha, hum wo baat karenge related hai. Quant analysis wagher institutions Retail traders normally nahi karte. Use nahi hota right? So coming back to technical analysis, as we said, today we'll start our journey with the very basics of technical analysis, which is a price chart. So let's understand.

वो कई तरह के ग्राफ होते हैं राइट फॉर टू थ्री दस दिन का डेटा लिया, किसी भी स्टॉक का डी कोई भी स्टॉक आप हाँ मान लीजिए उसका क्लोजिंग प्राइस ऑन फर्स्ट वॉज फर्स्ट ऑफ दॉज ट्वेंटी रुपीजी फाइव थर्टी ऐसे करते करते 10th को फोर्टी एट रुपीज का प्राइस था लेट्स अज्यूम राइट हम मान के चलते हैं तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे हम डॉट लगाएंगे एक राइट तो अभी देखिए फर्स्ट का प्राइस ट्वेंटी रुपीज फर्स्ट ऑफ द मंथ प्राइस ट्वेंटी कर रहा हूं सो इट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट बट इट बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग राइट ओके प्राइस था ट्वेंटी प्राइस हेयर राइट थर्ड का प्राइस था 30.

ज्वाइन कर देते पहला डॉट दूसरा तीसरा चौथा फिफ्थ सिक्स इज कॉल्ड लाइन ग्राफ और लाइन चार्ट ये आपकी सहूलियत के मैंने लिखा भी है राइट सो लाइन चार्ट ये होता है इससे हमें एक बड़ी इजीली डायरेक्शन दिख जाता है मार्केट का जैसे हमको दिख रहा है फर्स्ट से

इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओ एच एल सी ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है हो, एक दिन का प्राइस है या एक पीरियड का प्राइस है उस दिन में हम दिन पीरियड को दिन का पीरियड की बात करेंगे फॉर दिस एग्जाम्पल सो जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसको बोलते हैं ओपन ओ जहां जितने तक गया दैट इज हाई एच जितने तक नीचे गया दैट इज लो एल एन जहां क्लोज हुआ दैट इज सी राइट एच एल सी सो लेट्स एज्यूम देर इज अटॉक जो कि ओपन हुआ थर्टी रुपीज पर राइट हाई गया वो फोर्टी फाइव तक करेक्ट लो उसका गया मे बी ट्वेंटी सिक्स रुपीज तक और क्लोज वो हुआ से थर्टी फाइव राइट जैसूम डेटा राइट अब इसको हम एक बार चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे राइट हम क्या करते हैं एक रेंज बनाते हैं देखते हैं मैक्सिम कितना गया फोर्टी फाइव मिनिमम कितना गया ट्वेंटी सिक्स सो फोर्टी फाइव से लेके ट्वेंटी सिक्स तक का हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं फोर्टी फाइव मान लीजिए सेकंड ऑफ़ लेट्स राइट सो हाई कितना गया 45 फाइव सिक्स को हाई इज 45 फाइव इज हेयर समवेयर हेयर यहां तक गया मिनिमम कितना गया लो 26 सिक्स सिक्स इज समवेयर हेयर ऑन सिक्स ओनली

सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बार चार्ट राइट इसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस मिला था यहां पर आपको पता लगता है कि छह तारीख को स्टॉक कितने पे पे ओपन हुआ हुआ कितने क्लोज कहां तक गया हाई कहां लो कहां तक गया अब कंफ्यूजन हटाने के लिए कि ओपन वाला प्रोजेक्शन कौन सा है क्लोज वाला कौन सा है स्टैंडर्ड डिनेशन है स्टैंडर्ड यू लुक एट अ बार चार्ट यू नो लेफ्ट वाला प्रोजेक्शन जो है वो ओपन है राइट वाला प्रोजेक्शन इज क्लोज दिस इज ने लो ऑफ द डे और ऑफ द टाइम पीरियड एंड दिस इज द हाई आर वी गुड राइट अब हमने देख रहे हैं कि आज ये बुलिश है क्योंकि ओपन यहां हुआ था क्लोज उससे ऊपर हुआ है राइट सो इट इज अ बुलिश मूवमेंट टूडे आज के दिन में इसका मूवमेंट बुलिश रहा देख के ही पता लग गया था हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है देख के ही पता लग गया था लेफ्ट वाला ओपन है राइट right वाला ये उल्टा भी हो सकता है इट कॉव ओ ओपन हेयर एंड क्लोज हेयर राइट अब हमको पता लग गया और यहाँ तक हाई गया था यहाँ तक लो गया था राइट दिस इज क्लोज दिस इज ओपन बिकॉज सॉरी दिस इज ओपन बिकॉज लेफ्ट इज ऑलवेज ओपन राइट लेफ्ट वाले प्रोजेक्शन जो ओपन है राइट right? पर इसको और क्लियर करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं एक और ट्रेक करते हैं थोड़ा सा सो so दैट कभी भी गलती से भी गलती ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं हम अगर ग्रीन कलर का वो है अगर बुलिश वर्किंग थी तो ग्रीन uh, कलर का हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं राइट right? जैसे ये सेम डेटा को मैं रिप्रेजेंट करूं, राइट? Right? ओपन इसका यहाँ था, राइट? दिस इज द क्लोज राइट दिस इज हाई एंड दिस इज लो नाउ आई हैव ड्रॉन इट इन ग्रीन बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि ये बुलिश मूवमेंट थी बुलिश मूवमेंट थी मतलब क्लोजिंग वॉज हायर देन ओपनिंग राइट और अगर उल्टा हुआ हो क्लोजिंग इज लोअर देन ओपनिंग तो हम उसी बार को हम ये आप उसकी क्लोजिंग है ये उसकी ओपनिंग थी राइट right? ये इसका हाई था और ये इसका लो था राइट right? उसी को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तो और विजुअली क्लियर हो जाता है बट अगर कलर से नहीं रिप्रेजेंट किया सिर्फ ब्लैक कलर से उसको भी हमको देख के पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है राइट आई होप यू विद मी नाउ करेक्ट एंड देन देर इज अ थर्ड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज कॉल्ड कैंडल स्टिक राइट ंडल स्टिक्स बेसिकली जैपनीज कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है तो अभी तक हमने लाइन चार्ट देखा हमने बार चार्ट देखा आइए देखते हैं कैंडल स्टिक कैसे होता है सेम डेटा इसी डेटा से काम करते हैं राइट मान लीजिए एक स्टॉक का ओपनिंग प्राइस वॉज थर्टी रुपीज राइट उसी सिक्स तारीख को सेम डेटा बात करते हैं दिस इज द ओपनिंग प्राइस राइट एंड हाई कितना था उसका फोर्टी फाइव हाई इज फोर्टी फाइव समवेयर हेयर लो कितना था 26, 26 ट्वेंटी इज हेयर एंड क्लोजिंग प्राइस कितना था 35, 35 थर्टी इज हेयर राइट तो हम क्या करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का एक रेक्टेंगल बना देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का राइट दिस दिस इज रेक्टेंगल करेक्ट और इसको हम ऊपर डॉट से कनेक्ट कर देते हैं जो उससे बाहर गया सो दिस इज ओपनिंग प्राइस दिस इज क्लोजिंग प्राइस दिस इज हाई ऑफ द डे दिस इज़ लो ऑफ द डे राइट right? इस चीज को जो है मेन जो रेक्टेंगल है उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल देखिए कैंडल की तरह दिख रही है मोमबत्ती की तरह इसको इसलिए इसको कैंडल सिख बोलते हैं और जो ये नीचे है ये और ये इन दोनों को हम बोलते हैं विक्स राइट ये इसकी कैंडल की विक है कैंडल की बत्ती है राइट right? ये विक है ये भी विक है जिसे लोअर विक अपर विक शेडो भी बोलते हैं राइट right? टेल भी बोलते हैं सो दिस इज द मेन बॉडी ओपन और क्लोज और हाई और लो राइट अब थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि ओपन कौन सा है हाई कौन सा है क्या ये ओपन है अगर कैंडल uh, बेरिश रही हो उस दिन ओपन ऊपर हुआ हो क्लोज नीचे हो तो क्या करते हैं राइट अगेन वी यूज द कलर्स राइट टिपिकली कैंडल ब्लैक में नहीं बनाते हैं नॉर्मली कैंडल बनती है टिपिकली आपकी कलर से राइट सो वेन यू मेक इट विद कलर राइट यू मेक अ कैंडल लाइक दिस राइट उसको कलर से फिलअप कर, कर देते हैं राइट एंड दिस इज हाउ इट इज जब ग्रीन कलर की कैंडल है वी नो इट इज अ बुलिश कैंडल विच मीन्स वी नो ओपन वॉज हेयर एंड क्लोज वॉज हेयर दिस वॉज अ हाई दिस वॉज अ लो सेम कैंडल अगर रेड कलर में बनी हो राइट कोई भी कैंडल हो छोटी या बड़ी अगर रेड कलर में बनी है कैंडल तो वी नो इट इज अ बेरिश कैंडल राइट यहां पर इसका हाई था ये इसका लो था राइट बट दिस वॉज द क्लोजिंग प्राइस एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस इट कलर ऑफ कैंडल टेल्स वॉट इज ओपनिंग वॉट इज वेयर इज द क्लोजिंग आर वी क्लियर राइट और ये कैंडल किसी भी शेप में हो सकती है जरूरी सारी कैंडल ऐसी हो कैंडल ऐसी भी हो सकती है हो सकता ऐसी right? Now, candle, right? low, closing, के है ऐसी कैंडल बने राइट ना इफ दिस इज द कैंडल राइट वॉट आर वी सींग हेयर दिस इज द लो दिस इज द क्लोजिंग रेड कलर की कैंडल है राइट एंड दिस इज द ओपन वेर इज द हाई वेर इज द हाई बड़ा सिंपल है जिस प्राइस पे वो ओपन हुआ उसके बाद सारे दिन में उससे ऊपर गया ही नहीं दैट वॉज दाइस्ट प्राइस राइट ओपन एंड हाई कैन मैच ऑल्सो सो यहीं पर ओपन हुआ और उसके बाद सारा दिन गिरता ही रहा राइट सो इट हैज नो अपर विक नो अपर शेडो राइट समटाइम्स देर कैन बी स्मॉल शेडो समटाइम्स देर कैन बी लार्ज शेडो नो प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दैट राइट सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं इसको हम आगे जब कैंडल स्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बट आई होप आई एम क्लियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट लाइन बार और कैंडल सिक्स इसके अलावा भी कुछ uh, अलग तरह के चार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं राइट एंड विल सी दम ब्रीफली इन वेन वी गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन राइट थैंक यू सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन नाउ टू रिवाइज दिस एंडसो अंडरस्टैंड लिटल मोर कि किस टाइप के चार्ट के क्या एडवांटेजेस डिसडवाटेजेस हमने अभी देखा कितने टाइप के प्राइस चार्ट्स होते हैं आई होप यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट ऑलरेडी एंड अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे इसी को देखते हैं क्विकली रिवाइज करेंगे और लुक एट एडवांटेजेस एंड डिस हर टाइप के प्राइस चार्ट टाइप के क्या फायदे या नुकसान हैं वो हम समझते हैं राइट आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ सो यू सेट इज मॉड्यूल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चार्ट टाइप चार्ट क्या है हमने बोला प्राइस चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस मूवमेंट का स्टॉक का ओवर अटन पीरियड ऑफ टाइम राइट और जो कॉमनली कैंडल स्टिक चार्ट लाइन चार्ट सबसे ईजी होता है सबसे सिंपल होता है बहुत कॉमन है राइट एंड बेसिकली इट हेल्प ट्रेडर्स टू स्पॉट ट्रेंड इन प्राइस मूवमेंट ट्रेंड बहुत आसानी से जितना आसानी से ट्रेंड अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है जितना आसानी से पहली नजर में जो है लाइन चार्ट पे दिखता है इट्स इजी टू स्पॉट लाइन चार्ट स्पॉट ट्रेंड ऑन द लाइन चार्ट इट्स अदर प्राइस यू कैन स्पॉट द ट्रेंड बट इट्स नॉट दैट ऑब्वियस राइट सो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लाइन चार्ट राइट एंड हाउ एवर इट डज नॉट ऑफर मच एडवांटेज और मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इंट्रा डे प्राइस मूवमेंट विद इन द डे वॉट हैपन Because it's based only on closing prices, so very simply, this is a line chart for you. We can see that from uh, April onwards to till about October, the trend has been up, and then tried and sideways till about April, then and then a bit it has uh, market has started or this particular stock has started moving down, right? Okay, bar chart it offers more information. Each point in the graph is represented by a vertical line. Uh, there are two horizontal lines, right? So.

I think it's very obvious. We can see there's some lot of bullish bars and lot of bearish bars also, right? Okay. Third type of chart we said candlestick. So they they have uh, candles have a body and a shadow or tail, or also called wicks, right? A bullish candle is represented in green color and a uh, bearish candle is, is uh, shown in red color normally, right? So uh, here it is for you, and I think it's very obvious, very clearly. Advantages of ball. Uh, uh,

Quickest way of identifying trend eliminates market noise, market ka jo, upar gaya gaya, jo uh, noise bolte hai jisko hum right? Wo hata deta hai. Useful for quick updates or, or on the developments on the go. Have a look at it, quick one glance, one look at bar chart, and you know what is happening. Disadvantage doesn't provide sufficient information and difficult to spot change in direction, right? Bar chart ke advantages provides more information, provides information open, close, high, low. It right. works with most technical indicators, including moving averages. Easy to use and spot patterns. It also gives certain patterns which we can sub spot easily. A disadvantage: visually more difficult to uh, determine whether stock is growing or falling in the short term, at least. Right? And sometimes not very easy for a newbie trader. The newbie traders might get confused where is the opening, where is the closing. But once you get used to it, it's quite easy actually. Candlesticks most popular, both popular okay, candle candlesticks. Everyone wants to use candlesticks today. राइट इजी टू रीड ईजी टू इंटरप्रेट आराम से पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ज़्यादा कैंडल लाइन चार्ट के मुकाबले ओपन हाई लो क्लोज देता है यूज इसको टेक्निकल एनालिसिस के बाकी टूल्स इंडिकेटर के साथ बहुत बढ़िया यूज़ किया जा सकता है और कैनल के पैटर्नस की एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी है विच हेल्पस डीपर एनालिसिस ऑफ द स्टॉक और द मार्केट विच विल टॉक अबाउट लेटर आने वाले मॉड्यूल्स में कैंडल के पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे राइट डिसएडवांटेज द शेप ऑफ कैंडल चेंजेस एज वी यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स अभी आप 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और उसी चार्ट को आप वन आवर का कर लीजिए या टू आवर्स का कर लीजिए या वन डे का कर लीजिए पैटर्न सी कैन से कलर पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है राइट सो इट समटाइम्स न्यू भी ट्रेडर के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है राइट right? इनके अलावा भी कुछ चार्ट टाइप्स होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे राइट बिकॉज एज वी सेट इन द बिगिनिंग हम उतनी ही बात करेंगे जितनी एक रिटेल ट्रेडर के लिए यूजफुल है राइट right? But still, this is good to know information as you mature, as you advance, maybe sometimes you will use it. So, there is a chart type called Heiken Ashi, right? This is very popular, hai, Japanese origin, ka hai, right? So, this is continuous handles hote hai, without a lower shadow, it looks like candles only. So, it represents a, uh, represents a good uptrend, for example, here I have a uptrend mark. As a continuous uh, uh, red color ka jo, uh, candles, hai, right? Without upper shadow. दैट रिप्रेजेंट अ डाउन ट्रेंड मैंने मार्क किया है आप देख सकते हैं बट एज सेट गुड टू नो नॉलेज आपको इसमें मास्टरी नहीं करनी है ऐसी पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है ये एक्स 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 और ओ ओ ओ की कॉम्बिनेशन में इसके वर्टिकल बार्ज बनते हैं राइट सो दिस इज हाउ इट लुक्स जस्ट फॉर यफॉर्मेशन एंड देन दर ऑल्सो कॉल्ड रैंको चार्ट राइट सो रैंको बहुत क्लीन चार्ट होता है बिल्कुल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बहुत क्लीनली पता लगता है आपको इट लुक्स समथिंग लाइक दिस राइट बट वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दिस

Do comment, do share it with your friends, and if you have still not subscribed to the channel, do subscribe it right now. Thank you, God bless.